नमस्कार, मैं सलमा खानम और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी में निशुल्क सर्वजाति व जाति व सम्मेलन हुआ आयोजित। एक तरफ 37 तो दूसरी ओर 13 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। भैंस चोरी के मामले में पुलिस व आरोपियों में हुई फायरिंग। भरतपुर के गदरवास गांव की है घटना। मनहोर थाना में 3 वर्षीय सलोनी का 20 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। दुकान पर बिस्किट लेने के बाद से नहीं पहुंची घर। देहरादून के सहारनपुर में श्री बालाजी सेवा समिति के द्वारा विशाल जागरण का किया आयोजन। मानदेय वाला सुंदी में हुआ आयोजन। बारा में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 15 से 20 बाराती हुए घायल। 2 की मौके पर हुई मौत। आगर में मां बगलामुती पीताम्बरा देवी का मनाया जन्मोत्सव। निकाली चल शोभा यात्रा। रतनगढ़ में मौलवी ने 12 साल के बालक के साथ किया कुकर्म। मदरसे में पढ़ाने के दौरान की शर्मसार हरकत। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब डालते हैं खबरों पर विस्तृत नजर। भवानी मंडी शहर के रामनगर में श्री राम जानकी विवाह समिति द्वारा सर्वजाति 11वां निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें 37 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता राजेश जैन ने कहा कि एकता बनाए रखने और शादी में होने वाले फिजूल खर्ची को बचाने के लिए ऐसे आयोजन आवश्यक है। विवाह सम्मेलन में मेघवाल, ब्राह्मण, यादव, जाटव, राजपूत, बैरवा, रेगर व मेहर, राठौर समाज के दूल्हा दुल्हन का विवाह हुआ। पंडित मोहनलाल शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नवयुगल की वरमाला करवाकर परिग्रहण संस्कार करवाया, जिसमें वर अपने गृहस्थ आश्रम में कदम रखने वाले नवयुगलों को आशीर्वाद देने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे। दूल्हा दुल्हन को विवाह सम्मेलन समिति द्वारा कन्यादान उपहार स्वरूप वस्त्र और चांदी के आभूषण एवं गृहस्थी का सामान भेंट किया। सम्मेलन में परम पूज्य महंत 108 भगवान दास जी महाराज ने भी नवयुगल जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए आशीष वचन दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरटीएम के हरिमोहन वशिष्ठ ने की। तुलसी नारायण राधेश्याम शर्मा विशिष्ट अतिथि। इस दौरान पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, कमल सुरेखा, ओम चौबे, सुनील शर्मा, कल्याण मल सोनी, दुर्गा शंकर ठेकेदार, दामोदर दास गुप्ता आदि मौजूद थे। इसी प्रकार मेला मैदान में भी सकल वशिष्ठ धोबी समाज द्वारा आयोजित तृतीय कन्या निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में 13 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे, जहां गायत्री शक्तिपीठ विधि विधान से गायत्री परंपरा अनुसार विवाह संपन्न करवाया गया। समाज के अध्यक्ष राम गोपाल बाथरा और सम्मेलन अध्यक्ष सुरेश मालवी ने बताया कि सम्मेलन में डग विधायक कालूराम मेघवाल, दीपक टोंक, मोहनलाल खन्नीवाल, प्रभु बाड़ोदिया आदि अतिथियों ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। राजकुमार जी का स्वागत करने के लिए अशोक जी पवन से निवेदन करूं। देखिए दोनों और दुल्हन दोनों पक्ष के तरफ सब बैठ जाए और उधर जो है मातृशक्ति से मेरा निवेदन है, बहनों से मेरा निवेदन है, ये दुल्हनों की हवा आने बंद हो गई। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और चीफ गिल का जो मंत्र है उसको समर्पित करें। चलो भैया आपका नाम बोले। दीप प्रज्वलन के पश्चात
कार्यक्रम को आगे गति बढ़ाते हुए मंचस्थ अध्यक्षों के वैसे विषय तो पूरा सामूहिक सम्मेलन का है, पूरी लगे तो भी आप मेरा गोटी निकाल सकते हैं। तो आप से जुड़ते हैं और हम बात करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद कालेजा साहब, आपने अपनी बात संक्षिप्त में रखी और अपनी उपस्थिति यहाँ पर डाले हैं। क्योंकि अगर कार्यकर्ता अगर आगे नहीं आता है तो इतने अच्छे कार्यकर्ता समय लेने वाला चाहिए, समय देने वाला चाहिए। अगर आप समाज के पास जाओगे तो आपको पूरा सहयोग मिलता है उसमें, इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र है। पुष्पहार पहना करके भरतपुर डिग सर्किल की खो थाना पहुंचे थाना कोसीकला यूपी के सब इंस्पेक्टर मदन सिंह ने खो थाना प्रभारी से शिकायत की कि थाना क्षेत्र के गांव गदरवास का इनामी बदमाश अर्शद हमारे थाना क्षेत्र के दो भैंसे चोरी कर लाया है। सूचना मिली है कि वह उसके निवास पर बंधी हुई है। एडिशनल एसपी महेश मीणा के निर्देश पर एसएचओ व कोसीकला पुलिस प्राइवेट वाहनों से गदरवास अर्शद के निवास पर पहुंची, जहां भैंस बंधी हुई थी। पुलिस ने भैंसों को बरामद कर भैंस लेकर चल दिए। तभी अचानक गदरवास के बीच अर्शद अपने साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर पुलिस को चेतावनी दी कि उनकी भैंसों को छोड़ दे, अन्यथा कोई भी पुलिसकर्मी नहीं बचेगा। तभी अर्शद गैंग ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में खो थाना पुलिस कोसीकला पुलिस ने भी फायर करते हुए भैंसों को थाने ले आई, जहाँ कोसीकला के सब इंस्पेक्टर ने मामला दर्ज कराया है। आज थाने पर कोसीकला के सब इंस्पेक्टर मदन सिंह मैं अपने पुलिस टीम के साथ में थाना खो पर आए थे, जिन्होंने मुझे अवगत कराया कि हमारे यहाँ से गदरवास का अर्शद जो इनामी है हमारी दो भैंसों को इलाके में से चोर के लाया है। जो भैंसें इस समय हमने जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि भैंसें उसके घर पर बंधी हुई हैं। उक्त सूचना पर श्रीमान एडिशनल एसपी साहब डी वालों को भी फोन आया कि इनको इमदाद दें और मौके पर पहुंचे कार्रवाई करें। उक्त आदेश की पालना में मन SHO मैं थाना पुलिस की टीम एवं कोसीकला की टीम के सरकारी गाड़ी एवं प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर गदरवास पहुंचे तो अर्शद के मकान पर दो भैंसें बंधी हुई थीं, जिनको मुस्तगीस ने अपनी भैंसों ने बताया। उक्त भैंसों को मौके पर बरामद कर पैदल पैदल रवाना होकर के जैसे ही हम भैंसों को लेकर गदरवास एवं खो के बीच के खेतों गांव के बीच के खेतों पहुंचे, उसी समय अर्शद के साथ ही हथियारों से लैस होकर के तो मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने आते ही बुलंद आवाज में बोले कि हमारी भैंसों को छोड़ दो, नहीं तो एक भी पुलिसकर्मी हमसे नहीं जा पाएगा। आज पर उन लोगों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। मनोहर थाना कस्बे के समीप कोड़िया पाटन निवासी मुकेश मेहरा ने बताया कि उसकी पत्नी 3 वर्षीय सलोनी को दुकान पर कुछ बिस्किट दिलाने के लिए ले गई थी। अचानक ध्यान चूकने के बाद 10 मिनट में ही 3 वर्षीय सलोनी वहां से लापता हो गई। सलोनी की मां कृष्णाबाई ने दांगीपुरा थाने में जाकर इसकी शिकायत की, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दोनों पति पत्नी सार्वजनिक स्थल पर्यटन स्थल आसपास के गांव कस्बों और ठाड़ियों में 3 वर्षीय सलोनी को ढूंढ रहे हैं। वहीं सलोनी की माता ने बताया कि झालावाड़ SP कार्यालय में 2 बार जाकर जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दोनों पति पत्नी ने बताया कि हम बहुत गरीब हालत में हैं, ऐसे में हम कहां ढूंढे। मासूम बेटी को परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पीड़ित परिवार ने कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर प्रार्थना कर उसके पश्चात पीड़ित परिवार ने धार्मिक स्थल होने के कारण आसपास धर्मशाला और मुख्य बाजारों में मासूम श्रीनगर से सलोनी को ढूंढा, परंतु पूजा प्रार्थना करने के बाद भी निराश होकर वहां से लौट गए। प्रशासन से भी कोई आशा नहीं है।
ऐसे दिल दहला देने वाली इस घटना को लेकर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं पहले से ही दांगीपुरा थाना पर लोग सवाल निशान उठा रहे हैं। ये है क्या आपकी लड़की? हाँ ये आएगी। हाँ क्या मामला है ये? 22 तारीख की 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। तो इसके लिए आपने रिपोर्ट करवाई थाने में? रिपोर्ट करवाई 22 तारीख की गमी और 23 तारीख की रिपोर्ट करवाई। तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ कहाँ गए आप? दांगीपुरा थाना में जाए और झालावाड़ भी जाए, एसपी के पास 2 बजे जाए, है ना। तो अभी तक लड़के का मतलब पता नहीं है? 18 दिन हो गया, अब तक लड़के का पता नहीं है, है ना। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है लड़की का? लड़की का सलोनी। सलोनी कितने साल की लड़की है? 3 साल की। 3 साल की। कहाँ से घूमी है ये? कारगपुरा से, मोतीपुरा से। ये मनो थाना के पास गुराड चोरा है, पंचायत मन पसंद लाग है। तो बालिका कहाँ से घूमी है? मोतीपुरा से। मोतीपुरा से बालिका घूमी है। तो आपके पति ने भी तो रिपोर्ट दर्ज करवाई ना, तो क्या कहा वहाँ थाना अधिकारी ने? पति पता नहीं, मतलब अभी आया ही है, तो यहाँ के पास मोबाइल नहीं है। तो आप ही की लड़की है ना ये? सहारनपुर चिलगना में माँ देवी बाला सुंदरी मंदिर में प्रांगण में बालाजी महाराज का विशाल जागरण का आयोजन किया गया। जागरण का आयोजन श्री बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष अमित उपाध्याय जी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी पवन कुमार सिंगल, राजीव कुमार सिंगल के एन तिवारी, अनिल गोयल, सागर चौधरी, श्याम कुमार सैनी ने प्रथम बालाजी महाराज की ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य अतिथियों का स्वागत रामपाल उपाध्याय, बालकिशन शर्मा, रमेश कश्यप आदि ने पटका और स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आचार्य निखिल जी महाराज ने श्रद्धालुओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके चलते भक्तजन नाचते झूमते नजर आए और सुंदर सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस मौके पर विजय फुटेला, अश्विनी, नितिन रोहिल्ला, अनुपम जैन, मनोज सैनी, भूषण गुप्ता, तेजपाल सैनी, आशु सैनी, राजेंद्र भटनागर, संदीप सिंगल, सनी भटनागर आदि लोग मौजूद रहे। से इस तरह की रात्रि उन भक्तजनों को ही नसीब होती है जिन पर भगवान की असीम प्रेम जागृत। मान और अभिनंदन करते हुए बारा राजस्थान के केलवाड़ा कस्बे से करीबन 15 किलोमीटर दूरी पर गड़रा तालाब के पास हरिपुरा से लौट रही बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें करीबन 15 से 20 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, 2 की मौके पर मौत हो गई। एक घायल ने 104 में ले जाते हुए दम तोड़ दिया, बाकी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से केलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। भवनगढ़ पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच की। कौन है? एक और आधा पेशेंट है।
आगर विश्व प्रसिद्ध बगलामुखी तीर्थ स्थल और स्वयंभू सिद्ध पीठ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा पर आज मां बगलामुखी पीताम्बरा देवी जी का जन्मोत्सव चल समारोह निकालकर मनाया गया। इस अवसर पर पंडित धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि ये मंदिर पांडव कालीन है। बगलामुखी 10 महाविद्या में अष्टम महाविद्या है और स्तंभन शक्ति और महाविद्या है। माँ बगलामुखी भक्तों की पीड़ा को तत्काल हरण करती है। भक्त वत्सला है, माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी के जन्मोत्सव के अंतर्गत आज बगलामुखी देवी की प्रतिमा को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से झांकी में सजाकर नगर के मुख्य मार्गों से बैंड बाजे के साथ चल समारोह निकाला गया। चल समारोह का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और भक्तों को आइसक्रीम और शीतल पेय वितरित किए गए। इस अवसर पर मंदिर की आकर्षक साज सज्जा की गई। माँ बगलामुखी पीताम्बरा जी का अभिषेक किया गया और 56 प्रकार के अनुष्ठान से 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। इस अवसर पर पधारे हुए भक्तों के लिए महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया जिसका भक्तों ने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। रतनगढ़ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। रतनगढ़ के वार्ड 28 स्थित मदरसा मोहम्मदिया के मौलवी ने 12 साल के बालक से कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी मौलवी भिलवाड़ा का इकबाल है जो मदरसे में बच्चों को मजहबी तालीम देता है। आरोपी द्वारा रमजान के पावन माह में रोजा रखने की बात भी सामने आई है। आरोपी ने शनिवार को वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मदरसे की छुट्टी हो गई तथा बालक को केला खिलाने के बहाने कमरे में ले जाकर कुकर्म किया। वारदात के बाद सहमा हुआ बालक घर आ गया और इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। सुबह जब बालक द्वारा खाना नहीं खाने तथा दर्द की शिकायत होने पर अपनी दादी को घटना बताई तो सुबह परिजन एकत्रित हुए तथा मदरसे पहुंचे। इस दौरान मौलवी के साथ परिजनों द्वारा मारपीट की गई तो आरोपी मौके से फरार हो गया जिसे पुलिस ने तलाश कर थाने ले आई तथा हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पीड़ित बालक के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बालक का मेडिकल बोर्ड से मुआयना करवाया। वहीं मोहल्ले के कुछ लोग आरोपी द्वारा सुजानगढ़ में भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने की बात कही है लेकिन पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई। नीलगरों का मौला है, नीलगरों की मस्जिद है, वहाँ एक मौलवी है जो उसका बच्चा पढ़ता है। कल दिन में 10 बजे छुट्टी हुई तो बच्चे को मौलवी ने बहलाया फुसलाया और केले खाने के बहाने उसको अपने कमरे में रोक लिया और कल बच्चे के साथ मौलवी ने कुकर्म किया। प्रकरण में बालक 11 वर्षीय बालक के पिता अमीर ने रिपोर्ट दी, जिसके तहत पॉक्सो एक्ट के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और मुलजिम को राउंड अप भी किया गया जो मोहम्मद इकबाल है बिगोद भीलवाड़ा के रहने वाला। बालक का मेडिकल बोर्ड से मुआयना करवाया जा रहा है और मौलवी को पुलिस हिरासत में लिया गया जिससे तफ्तीश की जा रही है।
आज की खबरों में बस इतना ही, फिर होंगे हाजिर कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़।